भूमंडल के स्वामी का मोदी महाकाल और मंगलवार में गजब कनेक्शन। अब दुनिया देखेगी महाकाल की रौनक। शिप्रा किनारे उज्जैन की धरती पर बसे कालों के काल महाकाल और उनकी ये दिव्य दुनिया जो कॉरिडोर बन जाने के बाद से अब और भी अलौकिक हो चुकी है, उसकी एक झलक ने पूरी दुनिया को पागल कर दिया है। ये तो बस एक ट्रेलर था जिसे देखने के बाद हर किसी की जुबान पर महाकाल की दिव्य दुनिया है। इस 11 अक्टूबर को जब इसी दिव्य दुनिया की पूरी पिक्चर लोगों के सामने होगी, उसके बाद क्या होगा इसकी कल्पना हम आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का कार्य संपन्न हो चुका है और अब बस 11 अक्टूबर का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। भूमंडल के स्वामी की इसी धरती पर पीएम मोदी कदम रखेंगे। मंगल की इसी धरती पर 3 घंटों तक पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी और उज्जैन की इसी पावन धरती से पूरा विश्व महाकाल कॉरिडोर की करिश्माई दुनिया देखेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे वो शुभ घड़ी कितनी खास होगी? चलिए हम आपको बताते हैं। क्या है मंगल महाकाल और मोदी का कनेक्शन? आखिर क्यों लोकार्पण के लिए मंगलवार का दिन ही क्यों चुना? इसको लेकर पंडित आनंद शंकर व्यास कहते हैं, 11 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया है, उज्जैन महाकाल की भूमि है, महाकाल भूमंडल के स्वामी है, मंगल भूमि पुत्र है, मंगल और महाकाल का विशेष संबंध है। पीएम मोदी की राशि भी वृश्चिक है जिसका स्वामी मंगल है और इसलिए मंगलवार को होने जा रहा है। अब जो कि अमृत सिद्ध योग में कॉरिडोर का लोकार्पण होगा, इसको लेकर भी ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास कहते हैं, ये जगह मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र है, महाकालेश्वर भूमंडल के स्वामी हैं, ऐसे में मंगलवार के दिन होने वाला पूजा अधिक फलदायी होगा। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में करीब 3 घंटे रहेंगे। ये योग विशेषतः नक्षत्र और वार के संयोग से बनता है। कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए ये योग लाभकारी है और इस योग में किए गए मांगलिक और नए कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। तो कॉरिडोर लोकार्पण के लिए मंगलवार का ही दिन चुना जाना कई ज्योतिषकों को खटक भी रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मंगलवार को शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन उज्जैन मंगल की जन्मभूमि है और ऐसे में यहाँ सब मंगल ही होता है। एक साथ मंगल ग्रह का मिलना विशेष बात है। तो शाम 6:30 बजे गुरु अच्छी स्थिति में होगा। गुरु धर्म और न्याय का कारक ग्रह है और इसलिए इसका विशेष महत्व है। अब आपको ये भी याद दिला दे कि हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड पीएम मोदी ने अगर काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में किया था, तो वहीं राम मंदिर के लिए मूर्ति तैयार करने वाले आचार्य गणेश शास्त्री द्रविड़ ने 11 दिसंबर को रेवती नक्षत्र में दिन में 1:37 बजे से लेकर 1:57 बजे तक 20 मिनट का शुभ मुहूर्त निकाला था। तो तय शेड्यूल के चलते ठीक 6 बजे पीएम मोदी महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद महाकाल कॉरिडोर के नंदी द्वार पर 6:30 बजे पहुंचेंगे और यहां से वो पूजन अर्चन कर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से महाकाल पथ देखेंगे और इसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड पर सभा को संबोधित करेंगे। मोदी की सभा 8 बजे तक यहाँ चल सकती है और चूंकि देखिए उज्जैन से रात में हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं है और ऐसे में पीएम सड़क मार्ग से ही इंदौर पहुंचेंगे और फिर यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि मोदी महाकाल और मंगलवार का आपस में क्या खास कनेक्शन है। हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पुनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीः मा पवित्रेण पुनीः मा शुक्रेण देवदीप्यता
अग्ने क्रतुवारते देव्यागाद्यस्यामि मा बहव्यस्तन्वपीतपृष्ठाः कयामदन्तः सदमादेखुभयगुस्यामपतयोरयीणाम् ॐ मचित्पतिर्मा पुनातु बाग्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सपञ्चाननः विघ्नाद में भी प्रकार के जीव हैं, आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, सब भगवान श्री ओम लक्ष्मी नारायण ध्यान।